बहुत बड़ी डेवलपमेंट है सखर के लिए। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी जो हार्डेस्ट सर्जरी होती है आई रेटिनोथेरेपी, वो भी अब सखर में की जाएगी, जो कि अल इब्राहिम सेंटर में इसका इंट्रोड्यूस कराई गई है। इसके अलावा यहाँ पर आज जो इफ्तिताह तकरीब हुई उसमें वफाकी सबक वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की और अपनी तरफ से ना सिर्फ 1 करोड़ रुपये फंड देने का ऐलान किया बल्कि अल इब्राहिम आई सेंटर को 5 एकड़ अराजी भी फराहम करने का भी यकीन दिलाया। जिसके बाद यहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने दावा किया है कि अगर चाहिए ज़मीन हमें अलॉट की जाती है तो ना सिर्फ यहाँ पर हम एक आला मयारी आई केयर हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाएंगे बल्कि इसके अलावा यहाँ पर जो इस शोबे से वाबस्ता ट्रेनर्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको भी ट्रेनिंग्स फराहम की जाएंगी। अजीम मुल्क के मारूफ आई केयर हॉस्पिटल अल इब्राहिम आई केयर हॉस्पिटल ने सखर में अपने ब्रांच का अफ्तिताह कर दिया और अच्छी खबर ये है सखर वालों के लिए कि यहाँ पर आई रेटिनोपैथी का भी इलाज जो है वो अब किया जाएगा। यहाँ से कराची जाने के लिए किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आई रेटिनोपैथी क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाएगा और इसका फर्दर मजीद प्लान क्या है ये जानते हैं हम यहाँ से इसी हॉस्पिटल से वापस आए एक सीनियर अफसर से। सर पहले तो ये बताइएगा कि रेटिनोपैथी है क्या और इसका इलाज यहाँ पर मुमकिन है या नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी रेटिनोपैथी आँख के पर्दे का जो नाम है उसको रेटिना बोलते हैं हम, और रेटिनोपैथी एक बीमारी होती है जो ख़ास तौर पे शुगर की वजह से होती है या ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। तो ये एक ऐसी सर्विस थी जो सखर में 90% मौजूद नहीं है और उस सर्विस को हम इंशाल्लाह यहाँ पर कल से इब्तदा कर रहे हैं और इनिशियली हम यहाँ फेको सर्जरी का इब्तदा कर रहे हैं और आने वाले चंद दिनों के बाद जैसे ही हमारी ये कैंप पूरी होगी तो हम इसके साथ साथ यहाँ रेटिना स्पेशलिस्ट के साथ एक सर्विस आप लोगों को देंगे। रेटिना स्पेशलिस्ट जो है वो तशखीस करेगा इस चीज़ की कि जो डायबिटिक पेशेंट वहाँ आता है उसको आया कि कोई पर्दे का मसला है या नहीं है। अगर उसको कोई भी पर्दे का मसला है, अगर ये पहली स्टेज पे आइडेंटिफाई हो जाता है तो उस बंदे की या उस पेशेंट की आंख बचने का पूरा हिसाब बन सकता है। लेकिन अगर ये रेटिनोपैथी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, सर्जरी होती है लेकिन इसमें आंख की नज़र जो है वापस आने के बहुत कम इम्कान होते हैं। तो मैं इस मीडिया के थ्रू आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं सखर में या इसके इर्द गिर्द में, उन सारे लोगों को मैं ये इल्तजा करूंगा कि ये एक ऐसी बीमारी है शुगर जिसको कहते हैं, डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, जो कुछ अरसे तक आपको कुछ नहीं करती और सडनली आपको एक बहुत बड़ा बीमारी का मजाज बना देती है। तो वो बीमारी से बचने के लिए और ख़ास तौर पे उसमें आँख के पर्दे की, अगर आप रात को सोते हैं और आपकी शुगर बढ़ गई तो सुबह को शायद आप उठेंगे तो उस आँख से नज़र नहीं भी आएगा, क्योंकि इस रेटिनोपैथी में आँख के पर्दे के अंदर शरानियाँ हैं, वो शरानियाँ जो हैं वो फट जाती हैं और ब्लड जो है वो आपके आँख के पर्दे पे आ जाता है। इसी तरह आपकी आँख को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और आपकी नज़र में बहुत बड़ा मसला होता है। और ये सबसे जो मुश्किल ऑपरेशन होता है वो आँख के अंदर इसी रेटिना यानि पर्दे का होता है और इसके एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स को तैयार भी करते हैं। हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि अगर यहाँ के मौजूद शख्सियात ने और सियासतदानों ने और मैनेजमेंट ने अगर अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल का साथ दिया तो इंशाल्लाह अल इब्राहिम ना सिर्फ ये सर्विसेज बल्कि इससे मज़ीद और सर्विसेज जैसे ग्लाकोमा, कॉर्निया और इसके साथ साथ कई और ऑक्युलोप्लास्टी वगैरह की सर्विसेज लेकर आएगा। इसके अलावा हम जो है ट्रेनिंग देते हैं ऑप्थल्मिक टेक्नीशियन से लेके सेकंड फेलोशिप तक डॉक्टर के। तो हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह फ्यूचर में इसरा अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी का भी यहाँ इब्तदा करे और आपके लोगों को यहाँ पर ट्रेन करे जो आपको सर्व करें। थैंक यू।